संभल की चंदौसी में पारिवारिक कलह में युवक द्वारा आग लगाकर जान देने के मामले में पुलिस ने मृतक के साले और ससुर को गिरफ्तार किया है। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वैष्णो विहार कॉलोनी के फेज वन में रहने वाले युवक विशाल शर्मा ने गुरुवार के दोपहर में अपने किराए के मकान में खुद को आग के हवाले करने से पहले खुद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें उसने अपनी ससुराल पक्ष के सास, ससुर और साले पर शोषण करने का आरोप लगाया था तथा अपनी मौत का जिम्मेदार इन लोगों को ठहराया था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मृतक विशाल के ससुर सुभाष शर्मा और साले आशीष शर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मा, अपने पूरे होश हवास में आप सब लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ, मेरी शादी सन 2010 4 अक्टूबर को आवास विकास पुष्प विहार मकान नंबर 246-247 में मिस्टर सुभाष शर्मा की बेटी प्रगति शर्मा से हुई थी। मेरा रिलेशन लगभग 10 साल का है, जिसमें मेरे ससुर ने बंदूक की नोक पर मेरी शादी अपनी बिटिया से कराई थी। उसके बाद में मैं एक मजदूरी करता करता आज इस काबिल हुआ कि आज मैं खुद में सक्षम हूँ। पर सुभाष शर्मा और उनकी वाइफ मिस रेनू शर्मा का हमारे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने की वजह से हमारा घर कभी घर नहीं बन पाया। इस 10 साल के बीच में उन्होंने कई मरतबा मेरे से हाथापाई की है, जिसका रीज़न यह था कि मैंने उनकी बीवी के उनकी बेटी के घर जाने पर ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि उनका घर जाने का हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन उन लोगों का आना या मेरी वाइफ का उनके घर पे जाकर रहना था। जब मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किए तो उन्होंने मेरे साथ कई बार मारपीट की, जिसमें आशु का सबसे बड़ा हाथ रहा। आशु और उसके पापा और इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी मम्मी इनको ट्रेन किया करती थी, इनसे कहा करती थी कि तू ऐसे कर वैसे कर। यहाँ की बात इस नौबत तक आ गई कि मेरी वाइफ ने भी मुझ पर कई बार हाथ उठाया। मैं रिश्तों को संभालने में लगा रहा और ये लोग अपनी चाल पे चाल चलते गए। सुभाष शर्मा ने मेरी बहन के साथ बलात्कार करने का भी 200 लोगों के बीच में ऐसा कहा जिस दिन मेरी शादी हुई थी, अगर मैंने शादी नहीं की उससे तो। आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरी वाइफ भी मुझ पर हाथ पैर छोड़ने लगी है। अभी भी इन्होंने मुझसे 22 तारीख में काफ़ी मारपीट की है, जैसे मेरे हाथ में 2 फ्रैक्चर्स हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो एक सुसाइड हुआ था परसों, उसके 2 आरोपी का भी आपने मेडिकल किया है, क्या मामला है वो? इसमें एक मतलब है आशीष शर्मा और एक सुभाष शर्मा, ये दोनों मतलब बेटा और फादर थे, दोनों आए हुए थे। इनका मेडिकल एग्जामिन किया गया, मतलब उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं थी, और मेडिकल करके पुलिस वाले उनको मुरादाबाद जहाँ भी है वो ले गए हैं। कोई भी मेडिकल में एबनॉर्मलिटी नहीं थी। ठीक है।